ग्राम कुरुद में चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह उत्सव परंपरा अनुसार मनाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही इंसान मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है और आनंद के सागर में गोते लगाता है। ग्राम कुरुद के रहवासियों ने भी पूरे सप्ताह भर तक पंडित रुद्र कुमार शर्मा के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और अपना जीवन सफल बनाया। आयोजन के अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ एवं विधि विधान के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वैवाहिक गीतों के माध्यम से श्रोतागणों को आनंद की अनुभूति कराई गई। आयोजन के कथावाचक पंडित रुद्र कुमार शर्मा ने अंतिम दिन हुए आयोजन की जानकारी दी एवं इस आयोजन के आयोजक शुक्ला परिवार ने भी आयोजन के उद्देश्य को बताया। आयोजन करता शुक्ला परिवार है। आप सब जानते हैं कि पिछला वर्ष हमारा कैसा रहा है। कोरोना की इस महामारी में कितनों के सपने गए और कितनों के अपने गए। अब इन्हीं की मुक्ति के लिए भागवत कथा का आयोजन किया गया। आयोजन तो शुक्ला परिवार कर रहा है, लेकिन संभवतः वो ये विचार है कि हमारे साथ साथ सभी गांव जो है कर जाए, तो यह आयोजन शुक्ला परिवार के द्वारा। विशेष कुछ प्रार्थना की गई भगवान श्री कृष्ण जी से? हमारा सबसे अच्छा सौभाग्य रहा कि हम जिस वृंदावन धाम के कृष्ण की कन्हैया की गाथा यहाँ बैठ के गा रहे हैं, आज परम सौभाग्य की बात रही कि रुक्मणी मंगल के शुभ आयोजन पर हमारे श्री पूज्य विमल प्रभु जी, जो स्वयं वृंदावन के वासी हैं, उनका आगमन हुआ और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कार्यक्रम सफल रहा, इसके लिए ग्रामवासियों को, शुक्ला परिवार को क्या कहेंगे? शुक्ला परिवार के द्वारा एवं ग्रामवासियों को हमारी यही कामना कि यह कार्य जो निरंतर चलता रहे, धर्म के कार्य में कोई ना रुके, भगवान की सेवा होती रहे और भगवान की सेवा होती रहे और अपने मनवाणी को पवित्र बना के सह ग्रामवासी एक परिवार की भांति रहे। उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, हमारी ये इच्छा है कि हमारे प्रवासी हो गई हैं, मुक्ति मिले और परम धाम को प्राप्ति हो, भगवान के चरणों में स्थान मिले, इसी उद्देश्य से कराया गया है। आज से जो और भागवत का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है, महाराज जी का श्रवण करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह उत्सव में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं छत्तीसगढ़ की परंपरा अनुसार विवाह के रस्मों को निभाते हुए संगीत की धुनों पर नृत्य करते झूम उठे। Thank you.